नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और पूरे एक हफ्ते में 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के बाद एक दिन के ब्रेक के बाद यात्रा आज यानी शुक्रवार से केरल के कोल्लम से फिर से शुरू होगी। यह जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा ट्विटर के जरिए साझा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही जबरदस्त सफलता से बीजेपी परेशान होकर अलग अलग तरीकों का सहारा ले रही है। यात्रा को कमजोर दिखाने के लिए रोज ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी की गंदी चाल से दूर रहेगी और अपने मकसद से डिगेगी नहीं। उन्होंने लिखा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बीजेपी के इन तुच्छ हथकंडों से पार पा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। पीएम के स्वागत के लिए उज्बेकिस्तान के पीएम अब्दुल्ला अरिपोव एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट कर लिखा कि वहां विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा और मैं लाभकारी सहयोग को और गहरा करने के लिए विचारों के आदान प्रदान को लेकर उत्सुक हूं। लखीमपुर खीरी में दो दलित बहनों के साथ रेप कर उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले लड़कियों की गला दबाकर हत्या की गई और फिर उनके शव को पेड़ पर लटका दिया गया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन 15 घंटे में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक दोपहर 4 बजे के समय आरोपी पीड़ित लड़कियों के घर पहुंचे। आरोपी वहां से लड़कियों को बहला फुसला कर ले गए। बच्चियों के परिवार वाले उन्हें ढूंढते रहे और तकरीबन 1 घंटे बाद 5 बजे करीब घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेत में दोनों बहनों के शव पेड़ से लटके मिले। गांव वालों के सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं सड़क पर धरने के दौरान पिता ने पड़ोसी छोटू पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस को एक व्यक्ति का क्लू मिलने के बाद वह एक्टिव हो गई और 10:30 बजे करीब छोटू को घर से उठा लिया। जब पुलिस ने छोटू से पूछताछ की तो उसने सारी बातें उगल दी, जिसके बाद सभी 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सीएम योगी ने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और साथ ही पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये मदद उन लड़कियों की जिंदगी को वापस ला सकती है, और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों बार बार इस सवाल को उठाए जाने की नौबत आती है। कांग्रेस ने टीएमसी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस को कमजोर करने की कीमत पर विपक्षी एकता नहीं हो सकती। कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उभार के लिए जहां ममता बनर्जी की टीएमसी जिम्मेदार है, वहां केरल में सीपीएम और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस की यह आलोचना सीपीएम के उस बयान के बाद आई है जिसमें सीपीएम ने कहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत केरल में ज्यादा दिन बिता रहे हैं, जबकि उन्हें यूपी में ज्यादा दिन बिताने चाहिए। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि हाई कोर्ट का ये फैसला कि हिजाब इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है, गलत है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कॉलिन गोंजालेस ने कहा कि हाई कोर्ट की कई टिप्पणियों ने समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और अन्य धर्मों को इस्लाम के बारे में गलत धारणा दी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सम्मानजनक नहीं है, यह एक तरफा दृष्टिकोण था। फैसले को रद्द कर हाई कोर्ट की एक अलग बेंच को वापस भेजा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब कई मुस्लिम लड़कियों की अंतरात्मा के लिए जरूरी है और उन्हें भारतीय संविधान के तहत सिख पगड़ी और कृपाण के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इन छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में समायोजित नहीं कर सकता, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में कहा कि इस तरह की छूट देने से भारत में मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड में बाधा आएगी। केंद्र ने कहा कि छात्र दो कारणों से विदेश गए थे, पहला खराब मेरिट और दूसरा सस्ती फीस के कारण। केंद्र की ओर से कहा गया कि भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में खराब मेरिट वाले छात्रों को अनुमति देने से अन्य मुकदमेबाजी हो सकती है।
साथ ही वे भारतीय कॉलेजों में फीस का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होंगे। इसके साथ ही जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने गुरुवार को हुई सुनवाई को आज यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। वर्ल्ड टेनिस के लीजेंडरी प्लेयर रॉजर फेडरर ने टेनिस से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। फेडरर द्वारा यह घोषणा उनके ट्विटर हैंडल के जरिए की गई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे टेनिस ने बीते कई सालों में कई गिफ्ट दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा गिफ्ट वे लोग हैं जिनसे मैं मिला, मेरे दोस्त, मेरे प्रतियोगी और तमाम वो फैंस जिन्होंने इस खेल के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। फेडरर ने आगे लिखा कि आज मैं आप सबसे एक खबर शेयर करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते लंदन में होने वाला लेवर कप मेरा लास्ट ATP इवेंट होगा। मैं भविष्य में टेनिस खेलता रहूंगा, लेकिन ग्रैंड स्लैम और टूर का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये एक मुश्किल फैसला है। मैं उन तमाम चीजों को मिस करूंगा जो टेनिस ने मुझे दी हैं। आपको बता दें कि रोजर फेडरर ने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और उनकी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स में 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 US ओपन और एक फ्रेंच ओपन टाइटल शामिल है। और इसके साथ ही वह ओपन एरा मेंस टेनिस में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।